नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन उत्साह वेब टीवी और मैं राजधानी शिमला से आपके साथ कपिल ठाकुर। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की, तो आज चारों तरफ यहां पर जो ओपीएस की मांग को लेकर जो कर्मचारी एनपीएस का कर्मचारी जो यहाँ पर पहुंचा है, एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। और सबसे बड़ा मुद्दा ये इस वक्त का है और ये विधानसभा सदन में भी जो है मुद्दा गूंज रहा है। इसको लेकर विपक्ष ने भी आज वॉकआउट किया है और ऐसे में सड़कों पर भी हजारों की तादाद में आज जो एनपीएस कर्मचारी है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर बात करें ओपीएस की, तो यहाँ पर सरकार कहीं ना कहीं ये कहना चाह रही है कि ओपीएस बहाल नहीं किया जा सकता, आर्थिक स्थिति जो है प्रदेश की ठीक नहीं है, जिसके चलते ये जो है लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात करें तो वो ये कह रही है, जो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उन्होंने ये कहा कि 10 दिन के अंदर जैसे ही सत्ता में कांग्रेस आती है ओपीएस को बहाल करेगी, लेकिन करती है नहीं, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। तो इस वक्त तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए किस तरह से जो है हजारों की संख्या में यहाँ पर जो आज कर्मचारी पहुंचा है अपनी मांगों को लेकर। यहाँ पर आज पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर ये कर्मचारी पहुंचे हैं और यहाँ पर तिरंगा लेकर पूरे जो कर्मचारी प्रदेश भर से यहाँ पर आज आए हैं विधानसभा का घेराव करने। और इनका जो रूट है ये बालूगंज से होते हुए चौड़ा मैदान में इन्हें जो है रोका जाएगा। पहले जो है दूसरी तरफ से 103 से होते हुए आना चाह रहे थे, लेकिन वहां से इन्हें रोकने का जो है प्रयास किया गया। उसके बावजूद ये जो यहाँ से आगे की ओर यहाँ पर जो है बढ़ने का प्रयास करें। तो तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके का ये जो है आज प्रदर्शन जो है ओपीएस की मांग को लेकर। हालांकि इनका ये भी कहना है कि 15 अगस्त तक का जो है वेट करेंगे और मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं जो है ओपीएस की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने जो कहा था कि ओपीएस हिमाचल प्रदेश में संभव नहीं है, तो लगातार हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो आज बहुत बड़ी एक रैली पूरे प्रदेश से यहाँ पर ये जो कर्मचारी आज पहुंच रहा है। तो ये एक राजनीतिक मुद्दा अब जो बन गया है ओपीएस का। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि हर कोई जो नेता कांग्रेस का है वो यही कह रहा है कि ओपीएस जो है सत्ता में आते ही जो है बहाल कर दिया जाएगा। तो ये आप सैलाब देख सकते हैं किस तरीके से जो है कर्मचारी यहाँ पर हजारों की संख्या में आज पहुंचा है शिमला की सड़कों पर। ये जो है आपको इस वक्त जो है एनपीएस के कर्मचारी दिख रहे होंगे, ओपीएस की मांग को लेकर इस वक्त जो है कर्मचारी आपको सड़कों पर नजर आ रहे होंगे। तो जो इनके अध्यक्ष है प्रदीप जी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि उनका क्या कहना है। तो ये तस्वीरें शिमला की है जहां पर ये जो है ओपीएस की मांग को लेकर यहां पर सड़कों पर जनसैलाब नजर आ रहा है। तो हम बातचीत करना चाहेंगे यहां पर जो अध्यक्ष प्रदीप जी से कि एक बार फिर देखिए, हम पेंशन बहाली के लिए ही लगातार प्रयास कर रहे हैं और आज भी हम पेंशन बहाली के लिए आए हैं। आज तो हम इस उम्मीद के साथ आए हैं कि आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारी पेंशन बहाल करेंगे, क्योंकि हमेशा वो एक बात कर्मचारियों को जरूर कहते हैं कि कर्मचारी अगर शालीनता से आएंगे और यहाँ पर आके हमसे बात करेंगे तो उनकी मांगों के ऊपर भी गौर किया जाएगा और उनकी मांगें भी पूरी की जाएगी। और हमने पीछे देखा है कि 2-3 महीने में जो भी डेपुटेशन उनसे मिलने आया है, सभी डेपुटेशन से मिलने वो खुद वहाँ उनके बीच में आए हैं। तो आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो आज हमारे बीच आएंगे और कर्मचारियों की पेंशन बहाली की सौगात देंगे। ये माने हम कि ये जो आंदोलन है ये शांतिपूर्ण रहने वाला है?
जी बिल्कुल, आप देख रहे होंगे सुबह से बिल्कुल शांतिपूर्ण आंदोलन, ये हमारा जो संघर्ष है ये लगातार जारी है और आज पूरा दिन हम इसी तरह बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जो कांग्रेस ये कह रही है कि 10 दिन में जैसी सत्ता में आती 10 दिन के अंदर ओपीएस बहाल करेगी, तो क्या कर्मचारी है? देखिए आज अगर हम यहाँ इतनी संख्या में आए हैं तो हम सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि पेंशन बहाल होगी। सरकार पेंशन बहाल होती है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई समय आएगा, लेकिन अगर सरकार पेंशन बहाल नहीं करेगी तो उन लोगों को मौका जरूर मिल सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि वर्तमान सरकार जो हमारी पेंशन बहाल करे। में भी आज जो वर्कआउट किया गया है ओपीएस को लेकर, देखिए ये तो हम जिन लोगों ने वर्कआउट किया हम उनका धन्यवाद करते हैं कि पेंशन बहाली पे आज अब सदन में वर्कआउट होने वाला है, क्योंकि हम शुरू में जब हमने इस मांग को उठाया था तो हमने ये बात शुरू में कही थी कि जो पेंशन की बात करेगा वो देश में राज करेगा। आज लोग, आज हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमारी बात मीडिया के माध्यम से भी कहते हैं और अगर उन्होंने विधानसभा से वॉकआउट किया है तो हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी मांग को विधानसभा में उठाया है। जिस तरह से आपने एक उम्मीद की बात की कि मुख्यमंत्री से आपको काफी उम्मीदें हैं, तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कुछ दिन पहले एक बयान आया था कि जिन दो राज्यों में पेंशन बहाल की गई है वहां पर भी कर्मचारी, ये तो बिल्कुल उनका राजनीतिक बयान जरूर हो सकता है, क्योंकि उन्होंने मीडिया के समक्ष अपने भाषणों में अपने जो राजनीतिक उनका दल है उनके जो मंच थे वहां पे दिया है, लेकिन जहां तक हमारी बात है जहां हम उनसे मिले हैं या सरकार के जितने भी प्रतिनिधि या सरकार की तरफ से जितने भी अधिकारी उनसे मिले हैं, तथ्यों के ऊपर जब बात हुई है तो जो तथ्य हैं वो ये हैं कि राजस्थान में पूरी तरह से पेंशन बहाल हो चुकी है, छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से पेंशन बहाल हो चुकी है। और अगर पेंशन बहाल नहीं होती है, कोई नतीजा नहीं निकलता है, फिर क्या रहेगा? देखिए इंतजार कीजिए, हम भी चौड़ा मैदान पहुंचने वाले हैं, उम्मीद करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय वहां के पेंशन बहाल करेंगे, नहीं करेंगे तो आगे का जो कुछ भी हमारा कार्यक्रम रहेगा वो आप सब भी देखेंगे और सरकार को भी इस ये जो संघर्ष और तेज होने वाला है वो सरकार के समक्ष भी दिखेगा। धन्यवाद। तो ये एनपीएस कर्मचारी महासंघ के जो अध्यक्ष थे प्रदीप, जिनसे हमने बातचीत करने का जो प्रयास किया, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि खामियाजा सरकार को भुगतना होगा यदि पेंशन को जो है बहाल नहीं किया जाता, पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया जाता, तो इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में विधानसभा के जो चुनाव होने हैं उसमें सरकार को भुगतना पड़ेगा। और इनका साफ तौर पर इशारा कांग्रेस की ओर है कि उनको जो है यहाँ पर मौका दिया जाएगा और सत्ता से जो है यहाँ पर दूसरी जो राजनीतिक दल है वो काबिज हो सकते हैं, यहाँ पर वोट जो है पूरी तरीके से इन सरकार के पक्ष में नहीं जाएगा यदि पेंशन को बहाल नहीं किया जाता, और यदि जो है बहाल किया जाता है तो सीधे तौर पर जो है सरकार का जो है समर्थन ओपीएस कर्मचारी करेंगे। तो ये आप जनसैलाब इस वक्त देख रहे हैं सड़कों पर, किस तरीके का जनसैलाब है, दूर दूर तक आपको नजर आ रहा होगा तस्वीरों में कि झंडा लेकर यहाँ पर देश का तिरंगा लेकर ये जो है यात्रा निकाली जा रही है और ये शांतिपूर्ण तरीके का जो प्रदर्शन रहने वाला है, क्योंकि इनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि शालीनता से अपनी बात रखे और वो जरूर जो है बात को सुनेंगे, तो ऐसे में इस बार जो है जो रास्ता इन्होंने अपनाया है शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन किया जाएगा। तो चौड़ा मैदान तक ये जो है यहाँ पर रैली जाने वाली है और वहाँ पर जो है ये लोग अपनी मांग को जो है रखेंगे। दिवस भी आ रहा है और आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है, तो इन्हें उम्मीद है कि इस महोत्सव में इन्हें भी तो ये पूरे प्रदेश भर से आज जो एनपीएस के अंतर्गत जो कर्मचारी आते हैं न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं 2003 के बाद, वो आज पूरे प्रदेश से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और विधानसभा का आज आखिरी दिन है, विधानसभा के अंदर भी जो है सदन में वॉकआउट विपक्ष ने किया है, क्योंकि एक सबसे बड़ा मुद्दा जो प्रदेश का है वो ओपीएस की बहाली का है और कांग्रेस भी इसमें जो राजनीति करने लगी है, तो ऐसे में अब बीजेपी किस तरीके से बचाव करती है, क्या ओपीएस बहाल कर पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो तस्वीरों में हम लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं राजधानी शिमला से, ये इस वक्त का जो माहौल है यहाँ पर और हजारों की संख्या में जो ये कर्मचारी यहाँ पर पहुंचा है, ये हम आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। बस
आप तस्वीरों में देख पा रहे किस तरीके का जो ये प्रदर्शन हो रहा है और धीरे धीरे जो आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। अगर बात करें तो पुलिस छावनी में जो है तब्दील कर दिया गया है, यहाँ पर शिमला को जगह जगह पर जो है पुलिस बल तैनात किया गया है, चाहे वो 103 की बात हो या फिर चौड़ा मैदान की बात हो या फिर अन्य जगहों पर। तो दर्शकों, इस वक्त हम आपके साथ शिमला से जो है लाइव हुए थे और दिखा रहे थे किस तरीके से जो आपकी इसकी मांग को लेकर यहाँ पर जो कर्मचारी पहुँचा है वो सड़कों पर है और विधानसभा जो है जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में चौड़ा मैदान में जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन आज होने वाला है और फिर भी जो है इन्हें उम्मीद है कि 15 अगस्त को जो है मुख्यमंत्री घोषणा करे OPS की, अन्यथा जो है उनको खामियाजा जो है चुनाव में भुगतना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ से इतना ही, बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।